दिमाग खराब कर रखा है सुबह सुबह से। किस बात से? 8:30 भी उठी है, 9:30 बज गए हैं, सब्जी बनाने लगी हुई है, अभी चाय बना दो, उधर पहुंचना है 13 घंटे लगेंगे, 10 बज गए, 10 बजे अगर निकले पहाड़ में रात को 10-11 बजे थोड़ी पहुंचा जाएगा भाई। एक जमाना हुआ करता था हम 8 बजे उठते थे, 8:15 पे निकल जाते थे। साला 8 बजे उठे, 10 बजने को हो रहे हैं, दिमाग खराब हो गया। 8:15 पे निकल जाते थे और क्या, हम तो आज भी 15 मिनट में तैयार है मुंह धो के, बताओ कैसा लगता हूँ मैं। हाँ भाई साहब, पैकिंग हो गई। क्या हो रहा है? क्यों बताइए, 10 बज गए अभी भी पैकिंग हो ही रही है, और आपने तैयार होके ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। कर रहा हूँ। नहाया नहीं है ना? नहा मैं रात को लिया था, रात को नहा के सोया था। आई एम टू फास्ट। करो करो अभी तो करो, क्या दिक्कत? तुम्हारा ही सामान रख रही हूँ। एक ड्रायर, लड़कियों को ड्रायर की जरूरत होती है भाई साहब, ड्रायर यूज करते हैं तुम्हारे भाई साहब। तुम्हारे भाई साहब ड्रायर यूज करते हैं। 5 मिनट में तैयार होने वाले, अब बज गए हैं 10। मैं कब की रेडी हो चुकी हूँ, तुम खाना खा रहे थे। और तुम क्या कर रही हो? मैं टेस्ट कर रही हूँ कैसा बना है तुम्हारा। टेस्ट हो गया ना ये भाई, टेस्ट करो। चलो उठो, चलो 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 चलो, अधूरा क्या, वो टेस्ट मैं कर लूंगा। ना ना ना, नहीं नहीं, टेस्ट क्या होता है ये, देखा अच्छा बनाया तुमने। हाँ बस बढ़िया है, रख दो। तुमने बनाया? हाँ हाँ, रख दो रख दो। सुबह से किचन में आप यही कर रहे थे और क्या? तुम्हारे घर पर डर हुआ है? हाँ, ऑमलेट बनवा। 10 बज चुके, ऑमलेट बनवाया, खाती रहे, कोई बात नहीं, 10 बज गए, करती रहिए, सब बढ़िया। नमस्ते जी। क्या हाल चाल आप सभी के। तो फाइनली लेट वेट होने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी तक। बस निकल रहे हैं हम ट्रिप के लिए, और जो ट्रिप के लिए निकलना था हमें सुबह 8 बजे, और 7 बजे का अलार्म भरी थी, उस ट्रिप के लिए हम निकल रहे हैं। रहने दे, बाबा की एसआर की नहीं, सुबह 10 बजे हम निकल रहे हैं, और अब देखते हैं। पहले हमने सोचा था कि त्रिशन वैली में ही रुकेंगे, पर अब ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं रात को नहीं चाहता 9-10 बजे के बाद ट्रैवल करना। पहाड़ में 9-10 बजे भी बहुत लेट होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए, अगर नहीं पहुंचे लेट, ज्यादा लेट हुए तो चंडीगढ़ ही रुक जाऊंगा, अगर उससे कम लेट हुए तो हम शिमला में रुक जाएंगे, पर हम ज्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तीर्थन वैली, वैसे भी मैंने सुना है ऐसा, मैं गया नहीं हूं कभी तीर्थन वैली, तो सुना है कि वहां रोड भी थोड़े कच्चे हैं, तो मैं रात को नहीं जाना चाहता। तो अभी के लिए निकलते हैं, फिर देखते हैं कहां रुकना है। चलिए जी, ये देखो पहाड़, दिल्ली में पहाड़ है, ये दिल्ली का पहाड़ है, एक्चुअली दिल्ली का जितना भी कूड़ा है, 2-3 जगह पहाड़ है ऐसा, ये पूरा वहां पीछे तक है, वैली है, वैली कूड़ा वैली। तो यहाँ पे ये कूड़ा पूरा दिल्ली का जमा होता है, देखो चील भी उड़ रही है ऊपर, और ये इतना बड़ा है कि उसके ऊपर एक बंदा खड़ा है, देखो कितना छोटा सा दिख रहा है, ऊपर बिल्कुल खड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा, मतलब यहाँ पे तुम वेकेशन के लिए आ सकते हो। वेकेशन मतलब समझ रहे हो ना, सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ जो वेकेशन होता है, लोटा लेके लोटा वेकेशन यहाँ बनते है। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? तो चश्मा तो लगा रहे, डार्क सर्कल नहीं दिखाने अपने। कहाँ गया चश्मा? सस्ता चश्मा पर लोग महंगे हैं। सो हम लोग जी 516 किलोमीटर आज ट्रैवल करना है हमको एक दिन के अंदर, वो देखो क्या है। आज पूरे दिन के अंदर 516 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना है। सुबह 10 बजे निकले थे हम, 12:30 बज गए हैं, 100 किलोमीटर मात्र अभी हमने ट्रैवल किया है, और अभी 2 घंटे में 100 किलोमीटर, क्योंकि वो दिल्ली का रास्ता था, अभी हम मेन हाईवे पे हैं, तो 410 किलोमीटर बचा है। सो मेरे ख्याल से 410 में से मिनिमम 200 किलोमीटर अगले 2-3 घंटे में हमें कवर कर लेना चाहिए, मतलब 4 बजे तक हमें एटलीस्ट 200 किलोमीटर तो कवर कर लेना चाहिए। 50 की स्पीड से भी चलते हैं हम, तो इस हिसाब से हम 4 बजे तक 200 किलोमीटर कवर कर लेंगे। लेट्स सी, अगर इनको ज्यादा रुकना ना पड़े तो। आज किस डे है? तो बिग चुम्मा टू ऑल। और हाँ, मुझे एक बात याद आई कि हाँ, ओह माय गॉड, कैमरामैन संभालते हुए खुद को, सो एक बात याद आई
कि अब से आज से पहले से मतलब इससे पहले जब भी हमने वैलेंटाइन बनाया मैंने और सारिका ने, तो हमेशा वैलेंटाइन कभी वैलेंटाइन के दिन पे नहीं बनाया, या फिर एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद क्योंकि वैलेंटाइन वाले दिन बाहर निकलेंगे कहीं घूमने जाएंगे तो पता चल जाएगा मम्मी पापा को, तो इसलिए हमने हमेशा वैलेंटाइन 15 को बनाया। तो दिस इज अवर फर्स्ट वैलेंटाइन जब हम उस दिन पे बना रहे हैं, मतलब 14th फेब को ही बना रहे हैं, वो भी किसी अच्छी जगह, वो भी किसी अच्छी जगह पे अच्छी तरह। पहली बार मैं इसको कोई डेट की तरह, पहली बार मैं इसको चॉकलेट या कुछ टैडी वगैरह देता भी था तो फिर इसे वो मेरे घर पे ही रख के जाना पड़ता था। आई डोंट लाइक टैडीज, क्योंकि ये खुद ही टैडी है और फिर कॉम्पिटिशन आ जाएगा ना घर में कि कौन ज्यादा क्यूट है, तो वो ना कॉम्पिटिशन कवर कर लिया कौन ज्यादा क्यूट है। अरे तो क्या हुआ, ये भाई साहब बहुत तेज है लड़का, मेरे जितना शरीफ, शरीफ हाँ मैं बहुत शरीफ है बच्चा, सुशील, सुशील शरीफ, शरीफ सर्वगुण संपन्न, हाँ स्वाभिमानी, अभिमानी, स्वाभिमानी, कोई भी मानी सब मान लो। चटकार है देखो भाई साहब, अमरूद लाई है उसमें काला नमक पैक करके लाई है, तो प्लेन अच्छा नहीं लगता ना। ओह माय गॉड, फूल चटकार है, फूल चटकार है चाहिए भाई साहब। अभी तो आम पन्ना आम पापड़ ढूंढ रही थी, मिले नहीं वहां पे कह रही नहीं तो वो भी लेना है मुझे। चलो देखते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से 150-200 किलोमीटर ही आए हैं वहां से, लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। तो हम एंटर कर चुके हैं मोहाली में, अभी पेट्रोल पंप पे थे, अपने हाथी को भी खाना खिलाना है तो हाथी ने इतना खाना खा लिया है कि अभी से 2-3 दिन तक जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब चलते हैं आगे, स्टोर करके रख दिया उसका खाना पेट में, पेट में स्टोर करके रख दिया ऊंट का, ऊंट का जैसे वो नहीं होता, हम किलोमीटर तक इसी मार्ग पर चलें फिर दाएं ओर मुड़ें। ठीक है मेरा बेटा, खाना खा लिया अब बोलना शुरू किया इसने, तब से बोल ही नहीं रहा था। ये लड़का लड़की दोनों क्या कर रहे हैं गाड़ी में, पर दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं ओए वो ठीक है हैंड ब्रेक तो मैं निकाल लूंगा, पर तू ये बता ये लड़की के साथ कर क्या रहा है अंदर, सुन रहा है? अरे सुन जवाब, देख तो लो कितना झोला भर के बैठी है चॉकलेट चिप्स ये रेडबुल, वाह ये एनर्जी के लिए भाई साहब, तुम्हारे भाई साहब के लिए। तो नींद आती है ना इसलिए मैंने ली है, मैंने तो अपने लिए ये ली है, माय फेवरेट, क्या बात है स्नीकर्स, क्योंकि 5 रुपए में इतना ही आता है, ये 40 रुपए का है। चलो बढ़िया, 60 रुपीस का बेच रहे हैं 40 रुपए वाला हाईवे पे। अच्छा हाँ देखना, वो एमआरपी पे चिपका दिया इन्होंने 60, वैसे ये वाली चॉकलेट 40 की आती है स्नीकर, क्या बात है। पहले ऐसे ही शूट कर लिया था, फिर हमने कहा यार धूप की वजह से आंख नहीं खुल रही है तो चश्मा लगा ले, तो चश्मा लगा लिया है, ये चश्मा लगाने की वजह कुछ और है, आंखों के काले घेरे छुपाए जा रहे, डार्क सर्कल भी है और वैसे भी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एक ढाबे पे, और यहाँ से शिमला होगा मेरे ख्याल से 50-60 में भी 70 किलोमीटर, और तो हमारा प्लान ये था कि हम जिबी जाएंगे, थ्रिथन वैली में एक गाँव है जिबी, वहाँ हमने जाने का सोचा था, बट अब मुझे नहीं लगता वहाँ तक पहुंच पाएंगे क्योंकि 200 किलोमीटर है यहाँ से जिबी और टाइम लगेगा। सो हमने सोचा है कि शिमला में हम लोग स्टे करेंगे, 6-7 बजे तक शिमला पहुंच जाएंगे और शिमला में स्टे करेंगे, देन वी विल गो फॉरवर्ड, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे कल सुबह। तो आज रात का स्टे शिमला में रहने वाला है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी ढाबा आ गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि अब रुकूंगा नहीं, कुछ खा के यहाँ से डायरेक्टली अब शिमला में ही रुकेंगे। मत खाओ ना, फिर मैं खा लूंगा, खा लेना तुम, आधा तो खा लूंगा चाय के। ये देखो पूरी लादी बटर के उबेल दी है, ये जो जला हुआ है, इतनी सी बटर है ये 2 रुपए की, तुम एक पराठे में इतनी बटर थोड़ी लगती है, अरे इसमें डाल दूंगी ना ऐसे लगा तो। भाई साहब पराठा ब्रेक इज डन नाउ एंड वी आर गोइंग तो शिमला, अब अच्छे परांठे थे, तंदूरी थे, तवा वाले नहीं थे पर अच्छे थे, अच्छे लग रहे थे, और चाय थोड़ी सी 2 कप में पी चुका था, फिर मुझे 3रा कप मांगने में शर्म आने लगी, नहीं तो मैं मांग लेता, तो एंड तक आते आते चाय थोड़ी सी ख़त्म हो गई। पर चलो अब पहाड़ में चलते हैं, और मेरा मन है कि मैगी खाएं, पर जब तक शिमला ना पहुंचे हम गाड़ी नहीं रोकेंगे क्योंकि लेट हो जाएंगे। चले मैडम, खा लिया
ले लिए चटकारे? तो ए भगवान, भगवान से डरो। अभी अभी इसने एक ऐसी बात कर दी है जो बात का कोई सरपैर नहीं है। आप कमेंट में बताओ कि बात सच है या नहीं। इसने कहा इसकी और पूनम दीदी की शक्ल मिलती है। नहीं मिलती है, पूरा पश्चिम हो, पूरा पश्चिम बहन है ना, इसलिए तुम्हें फील वाला। अरे नहीं यार, वो वाली बात नहीं है, पता चल जाता है शक्ल। हरकत लगती है, हरकतें मिल सकती हैं, हरकतें भी नहीं मिलती है, थोड़ी बहुत भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है इसकी हरकतें नहीं मिलती है? मुझे ऐसे अगर पूनम दीदी थोड़ी स्लिम है, ये थोड़ा सा चबी है, पर अगर दोनों सेम वेट पे हों तो क्या दोनों की शक्ल एक जैसी लगेगी? मतलब दोनों सिमिलर हैं या नहीं है, ये कमेंट में बताओ पहले। ठीक है, क्या लगता है, क्या आएगा कमेंट में? कमेंट में ये लगता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने कमेंट्स पढ़े लोगों के कि पूनम कौन है। ओ माय गॉड, ये तो सरासर झूठ है। अच्छा पूनम कौन है? नहीं ये आता है कि उन्हें लगता है कि पूनम दीदी सारिका है। अच्छा 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 और कुछ? यही कमेंट। आपको बहुत बड़ी गलत फैमिली है। फैमिली है। चलो चलते है शिमला। शिमला दिखाएंगे। तो हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है। क्यों? ये न्यूज चैनल नहीं है मैडम। ये ब्लॉग है, बाबा केएसआर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट ब्लॉग्स। सो तुम हमारी बेस्ट, तुम्हारा ब्लॉग हमारी बेस्ट बेस्टी के बिना चल सकता है? हाँ चल जाएगा। सो पहले हमारा प्लान था कि हम शिमला जा रहे हैं, और सोचा भी था, पर शिमला से जो जिबी का रास्ता है वो हमें पड़ रहा है 161 किलोमीटर, जो कि करीबन 5-6 घंटे की ड्राइव है पहाड़ों में। सो हमने सोचा कि हमें ज्यादा ड्राइव नहीं करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसलिए हमने अभी सोचा कि मंडी ज्यादा पास है। मंडी करीबन 90 किलोमीटर पड़ रहा है, मतलब हमें 70-2.5 घंटे नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ से जहाँ हम अभी हैं रिसेंटली, दिखाओ पहाड़, दिखाओ पहले खूबसूरत से। ओह क्या मौसम है, इधर बताओ आप। तो जहाँ हम हैं अभी, अब मुझे जगह का नाम नहीं पता, पर यहाँ से मंडी भी और यहाँ से शिमला भी दोनों ही 100-100 किलोमीटर ही है। तो हम पहले मंडी चले जाते ताकि कल हमें 160 किलोमीटर ट्रैवल ना करना पड़े। कितना करना पड़ेगा अगर हम मंडी जाते हैं तो? मंडी से हमें 90 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, और शिमला से हमें 160-165 करीबन ट्रैवल करना पड़ेगा कल। तो हम कल के लिए कुछ ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं छोड़ना चाहते, कल हम चिल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं जिबी। तो प्लान ये है कि हम मंडी जाके रुकेंगे और जितना खींच सकते हैं खींचेंगे। अभी 100 किलोमीटर है मंडी, तो 3 घंटे लग जाएंगे अकॉर्डिंग टू माउंटेन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इससे खूबसूरत शाम आज की हो नहीं सकती थी, तो आपके सामने प्रस्तुत है रुको। आए हाय हाय हाय, क्या शाम है। मुझे यहाँ ड्रोन उड़ाना चाहिए था, पर अभी मैं नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि एक तो ऊपर ये तार वार है, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ काहे उड़ाएं, मज़ा सा नहीं आएगा। इसके बीच में से उड़ा सकते हैं, अगर यहाँ से ड्रोन ऐसे जाए अच्छा लगेगा। पर नीचे नदी देखो, वहाँ नदी है और ऊपर पहाड़, सनसेट हो रहा है वहाँ पे। हम तुम कितने पास उधर देख के गाओ। सच पूछो तो लगते हैं आगे नहीं आता। भाई साहब प्लान ये था कि हम मंडी में रुकेंगे, और मंडी हम पहुंच गए थे रात के 9 बजे करेक्ट। अब मैडम जी को होटल पसंद नहीं आया, एक होटल देखा, थोड़ा सा आगे करते करते हम बहुत आगे आ गया। एक रूम देखा, वो मुझे तो डिसेंट रूम लगा यार, डिसेंट प्राइस, डिसेंट रूम। मैंने कहा ठीक है इसी में रुक जाते। कह रही नहीं, उसका बाथरूम देखा कैसा था। मैंने कहा बाथरूम तो क्लीन ही था बेचारा, थोड़ा सा पुराना था, पुराने स्टाइल का था, पर क्लीन था, ऐसी बात नहीं क्लीन नहीं था। तो अब थोड़ा करते करते कहाँ तक पहुंच गया हूँ, यहाँ पे अब वो मंडी, मुझे लग रहा है मंडी एक्चुअल में एक शहर है। हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे। डेस्टिनेशन क्या पहुँचेंगे, अगर 2 घंटे और थोड़ा थोड़ा किया तो फिर पहुँच जाएंगे हम। अब भूख लग रही है, अब कहीं रुकना है।
हाँ तो अब सीधा होटल में रुक के खा के फिर सो जाएंगे, देखते हैं अभी मिलता है कि नहीं, मैडम जी को पसंद आता है कि नहीं, होटल मिल जाएगा। बेचारा मेरा लड़का थक गया है कब सुबह से, लड़का कुछ नहीं थका है, लड़का अभी और चला देगा 2-3 घंटे, ये चला देगा पर हमें दे, तू अपनी बोलना कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे प्राण जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से गाड़ी चला रहा है कंटिन्यूसली, हम कहीं भी नहीं रुके, एक जगह रुके थे, थोड़े से पराठे वराठे खाए थे बस, चाय 10-15 मिनट में रुके थे बस, उसके बाद कंटिन्यूसली चलाए जा रहे हैं। अब देखो मेरे को भाई मजा आता है गाड़ी चलाने में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब बार्गेनिंग की है, 1500 रुपए का रूम मिल रहा था, 1100 रुपए में ले लिया है। एक्चुअल में ये रूम अभी डिसेंट सा है, मतलब ये रूम नहीं है पर ये हमने रात को रुकने के लिए ले लिया, अच्छा रूम है, थैंक्स टू यू। और देखो आते ही कंबल में घुस चुकी है, और यहाँ से सुबह माउंटेन्स दिखेंगे ऐसा ये बोल रहे हैं। अब देखो कि बाहर क्या दिखता है क्या नहीं, ये इन्होंने लॉक कर रखा है, ये बालकनी है और डिसेंट सा रूम है, टीवी लगा है, ग्लासेस है, हाँ ये नॉर्मल आज रात को रुकने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं अभी। भूख से तड़प रही हूँ भैया। भैया सब्जी में कुछ चटपटा है? सब्जी में? हाँ कौन सी सब्जी लेंगे भैया? कुछ चटपटा बताओ, कुछ है तो चटपटे सब बना देंगे जो भी आप लेंगे ना। कौन सी खाओगी? क्या है बताएं तो सही, क्या है अच्छा, क्या बनता है बेस्ट क्या आपके यहाँ? कढ़ाई पनीर मटर मशरूम, मटर मशरूम बना दो एक छोटा छोटा, हाँ मतलब हाफ कर देना, हाफ होता है ना, नहीं वो प्लेट ही आएगी, ठीक है प्लेट दे दो कोई नहीं। ओके जी, हो गया चटपटा, यस हो गए चटकारे तुम्हारे, अब पानी पी लिए हम। सो अभी सुबह मिलते हैं, अभी तो खाना वाना मंगा रहे हैं, यहाँ देखते हैं कैसा खाना मिलता है फिर उसके बाद सोते हैं। चलिए जी, जय हिंद।